हाँ डिप्टा। ओ भैया जी, हाय दियो, काहे तुमको शर्म नहीं आता ऐसे पान थूकते हुए किसी और की दीवार पर? और कौन अधिकार दिया तुमको यहाँ थूकने का? अगर इतना ही हिम्मत है तो अपने घर की दीवारों को ऐसे थूक थूक के रंगो ना। खबरदार जो आज के बाद ऐसे कहीं थूके तो, पता है कितना पैसा लगता है पुताई में। का आप कछु बोलेंगे कि नहीं? अरे भाभी जी, किससे झगड़ा कर रही हैं? क्या हुआ, किससे झगड़ा कर रही हैं? देखिए भरभूति जी, जो भैया आपकी दीवार पर थूके हैं। तेरी हिम्मत साला। बस बस बस, उनको बहुत सुना दिया हम, जाइए खबरदार आज की बात थूके तो। हाँ सॉरी। और भाभी जी क्या हाल चाल है? हम तो ठीक बा, लेकिन हम बहुत परेशान है। पान खाकर थूकने वालों से हमको बिल्कुल पसंद ना आए ऐसे लोग। भाभी जी, इस मामले में पुलिस को पहल करनी चाहिए ना। अच्छा हाँ, केवल पुलिस को? आम लोगन का कौन इलेक्ट्रिसिटी ना आई है? भाभी जी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। हाँ, आम लोगों का कौन जिम्मेदारी ना आई है? का पुलिस एक एक ठो आदमी के पीछे भागेगी कि भैया यहाँ थूकिए, भैया यहाँ थूकिए, यहाँ ना ही थूकिए, का है? हाँ भाभी जी, आती है राइट। इस मामले में जनता को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। भाई तो बोल रहे हैं हम, हमरा तो बस चले ना, तो सच्ची ऐसे थूकने वालों को उनका दुकान ही बंद करा दे पान का बस। भाभी जी, ये पान खाने वालों से इतनी नफरत, कोई पुरानी दुश्मनी है क्या इनसे आपकी? कहा बताएं आपको, वो जब हम छोटे थे ना, तो अपने डैडू के साथ एक छो दिन स्कूल जा रहे थे। अच्छा। और वो दिन ना हमारे डैडू एकदम नया नबेला ऐसा क्लब किया हुआ सफेद कुर्ता पजामा पहने रहे। ओह या गुड। एक छो आदमी आया मुंह में पान दबाकर और हमारे डैडू के ऊपर थूक कर चला गया। हमारे डैडू का वो पूरा कुर्ता पजामा ऐसे लाल लाल हो गया बा। अच्छा, आपके डैडी के मुंह में नहीं थूका? नमस्ते भाभी जी। खुश रहिए। और भैया क्या हाल चाल रहे हो, क्या टाइम पास कर रहे हो? सब ठीक ठाक है लौंडे, तुम बताओ क्या हो रहा है? हम भाभी जी, आप बस आशीर्वाद दे दो और विभूति सेठ आप भी लगे आ दो, हम दोनों को दुआएं दे दो। हमरा तो आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ है। वैसे किस बात का आशीर्वाद चाहिए बता दे बाबू। भाभी जी, हमको क्या क्या पान की शॉप खोल रहे हैं। हाँ विभूति सेठ, कभी आओ हवेली में। क्या बका बे, चली आना तू पान की दुकान पे, साढ़े तीन बजे। क्या बात है, तुम्हारे इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। आज मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। आओ अच्छा चबा लो। हे भगवान, ये आदमी भाभी जी के बिल्कुल करीब आने के काबिल नहीं है, लेकिन भाभी जी पता नहीं इसे क्यों मुंह लगाए रखती है। हेलो अमर सिद्धिवा साहब, कैसे हैं? ओम। और कालका में सब ठीक?
क्या हुआ सजदेवा साहब, हैं? आप हमसे बात नहीं करेंगे? काहे? हमारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है? कमाल है, मतलब फोन के माध्यम से बदबू आप तक पहुंच रही है? अरे यार क्या बात नहीं करेंगे? हेलो हेलो सजदेवा साहब, हेलो हेलो। अरे यार ये तो गजब ही हो गया, बताइए फोन टू फोन बदबू पहुंच रही है। क्या हुआ लड्डू के भैया? ये हो रहा है काही, आपके मुंह से कितना गंदा प्याज का बदबू आ रहा है हदिया। अरे वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये कैसे प्याज के पकौड़े तुमने हमको खिला दिए? अरे कालका से हमारे क्लाइंट का फोन आ रहा था, फोन के माध्यम से बदबू उन तक पहुंच रही है। हमको तो ये प्याज कछु साधारण प्याज नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, तो वही प्याज है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अरे तो फिर इतना बदबू कहाँ से आ रही है? काल जुके भैया, अब प्याज के पकोड़े से प्याज का ही तो बदबू आएगा ना, मरहूम का खुशबू तो नहीं आएगा। मरहूम? परफ्यूम तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन अब ये बदबू जाएगी कैसे? कहा अभी बच्चों जैसा बात कर रहे हैं? ई लीजिए, ई खाइए पान, ये आप ही के लिए लाए हैं, इससे ना उस सारा प्याज का बदबू चला जाएगा। इसमें ना वो नवाबी की माम पड़ा हुआ है, जिससे ना आपका मुंह खुशबू से भर जाएगा और वो प्याज का बदबू मर जाएगा। और उसको अच्छे से चबाइए और पीक को अंदर ले लीजिए, यहाँ वहाँ थूकेगा ना ही। अभी ठीक पा? वाह, भाभी जी भाभी जी, अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए आपके द्वारे। हेलो तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस जी रहे हैं आपके साथ। पीछे पीछे वो? पीछे जाइए, पीछे हा? और पीछे जाइए। अरे क्या हुआ भाभी जी? ये हुआ। ओहो, ये डिंपल पे पिंपल कैसा? ये डिंपल पे पिंपल नहीं है। तो फिर क्या है? ये आपके मुंह से आया है कुछ छीटा सा। अरे भाभी जी, ये पान की पीक है। यक, तुम्हारी ये छी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाल पे ये छीटा मारने की? अरे भाभी, जानबूझकर नहीं किया है। क्या है कि तपाक से ऐसे बोलते हुए हमारे मुंह से ऐसे निकल गया। पीछे 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 पीछे, और मुंह बंद करके पान नहीं चबा सकते थे क्या? मुंह बंद करके चबा सकते थे भाभी जी, लेकिन क्या है कि आपको देखा लगा कि कौन नमस्ते तो कर दे। बिना नमस्ते के नहीं रह सकते थे आप, करना जरूरी था। आपको बताए भाभी जी, जब भी हम आपको देखते हैं तो हम नमस्ते के बिना आगे नहीं बढ़ते। आज बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि आज आपके नमस्ते में ये पान के छींटे हैं। भाभी, ये पान के छींटे नहीं है, ये पान की पीक है। पीक? रहने दीजिए, पान की पीक है, कोई जड़ी बूटी नहीं चबा रहे हैं आप। पान जड़ी बूटी की तरह ही होता है, हाथ में दुरुस्त रहता है भाभी जी। वो जो भी है, लेकिन मुझे पान से सख्त नफरत है। कैसे कैसे दुर्गंध सी आ रही है आपसे? दुर्गंध नहीं आ रही है भाभी जी, ये किमाम की खुशबू है। सुगंध ना अपने पास रखिए, मेरे पास लाने की हिम्मत मत करिएगा आप। लेकिन भाभी जी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पसंद है मतलब नहीं पसंद है। चेहरा देखिए अपना, कैसे लाल हो रखा है, घिन आ रही मुझे आपसे। आपको पता है आपको देखकर क्या लग रहा है? आप पान नहीं चबा रहे हैं, जैसे कोई जुगाली कर रहे हैं, वो करते ना वो सांड और बैल। थैंक गॉड विभू को ऐसे पान चबाने की आदत नहीं है। आई कांट इमेजिन विभू को ऐसे ऐसे देख के, ऐसे पान खाते हुए देख के। आपको पता है पान कौन खाता है ऐसे ऐसे इस तरीके से? वो जो गली में होते हैं ना आवारा लड़के, जिनके पास कोई काम नहीं होता है लाइफ में, वो बस ऐसे फालतू का चौक पर बैठ के पंचायत करते रहते हैं। चुप रहिए आप। तिवारी जी, एक बार ना आईने में मुंह देखी, कैसे लाल हो रखा है, घिन आ रही है मुझे सच में आपसे। क्यों देख लिया मैंने आज आपका चेहरा?
दिन भर ना आपका ये भयानक सा चेहरा ना मेरे दिमाग में छपा रहेगा। जी मुझे अब जाके वापस से नहाना पड़ेगा। एंड तिवारी जी, जब मैं वापस बाहर निकलूं ना तो मुझे आपकी शक्ल ना देखनी नहीं है, यहां से चले जाइएगा। कैसे निकलेगा ये तो कुछ ज्यादा ही जलील कर गई। भभूति जी के गुण गा रही थी, ठीक है, अगर भाभी जी से ही भभूति जी की बैंड न बजवाई तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं। Thank you so much, guys. Means a lot. I'm blessed. वैसे लोंडो एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे? हम बुरा लोगों का बुरा नहीं मानते हैं। क्या? आप मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, बोलिए ना। ये जो तुम लोगों ने दुकान पान की खोली है, क्या सोच के खोली है? धंधा, बिजनेस, उसके लिए खोला और किसके लिए खोला है? आजकल पान खाबे को फैशन चल रहा है डॉक्टर साहब। अरे उसके लिए तो और भी दुकानें हैं ना जो सेटल्ड है। वैसे एक बात बताऊं लोंडो, तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली है नहीं? अबे ओ मेंढक की आंखों वाले, हमारी दाल ऐसे गलेगी, बहुत अच्छे से गलेगी, इतना अच्छे से गलेगी कि हमारे आगे किसी की दाल ना गलेगी। क्या खासियत है तुम्हारे पान की, तनिक हमें भी खुल के बता दो मेरी बेटी। अरे ना 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 भैया, पहले खुद खाओ फिर सब जान जाओ। अरे बेटे बता दो तो कुछ घिस जाएगा क्या? कौन सा हम आइडिया चुरा के अलग से कोई दुकान खोल लेंगे पान की? आपका कोई भरोसा ना है क्योंकि बहुत बड़ी चिरांद हो तुम। अबे मेरा मतलब ये है सेठ जी कि एक बेहतरीन आइडिया है, मास्टरपीस। एक बार पान खाओगे तो बार बार आओगे। आप पान नहीं चबा रहे हैं, जैसे कोई जुगाली कर रहे हैं। थैंक गॉड विभू को ऐसे पान चबाने की आदत नहीं है। आई कांट इमेजिन विभू को ऐसे देख के, ऐसे पान खाते हुए देख के। चलो हम भी देखते हैं तुम्हारा मास्टरपीस आइडिया। चार पान पैक करके रखो, नवाबी के इमाम वाले हैं, अब आइए हैं। नवाबी के इमाम, पैसे ले आइयो। पहले पान तो पैक कर। बनाइए बनाइए, ये लीजिए। या क्या बात है। चीयर्स चीयर्स। ये वाली है मस्त एकदम। ऐसे भभूति जी काफी अरसे के बाद बैठ रहे हैं ना हम दोनों। हाँ तिवारी जी, बहुत अरसे के बाद बैठ रहे हैं। हमने पीनी थोड़ी कम कर दी है। देख के लगता तो नहीं आपको, आपका मूवी सूजा सूजा सा है। खैर मैं भी का रोज पीता हूँ तिवारी जी। क्या बात कर रहे हैं, आपके तो दोस्त बहुत बड़े शराबी कबाबी है। ऐसा है तिवारी जी, मेरा कोई दोस्त शराबी कबाबी नहीं है। और आपने मेरे दोस्तों को बदनाम किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। हमारा हाथ कैसे है भाई? आप भड़काते हैं अन्नू को, कहते हैं भभूति जी अपने शराबी दोस्तों के साथ बैठ के पी रहे हैं, जबकि मेरा कोई भी दोस्त शराबी नहीं है और आपके सारे दोस्त शराबी भी हैं और ठरकी भी हैं। जी लेकिन हम तो आपको अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं, कि आप शराबी हैं। मैं कोई दोस्त नहीं हूं आपका, आई एम सॉरी, पड़ोसी हूं आपका, जैसे नेबर। अरे भाई तो पड़ोसी भी तो दोस्त ही होता है ना, दुश्मन तो नहीं होता। अब हम आपको दोस्त मान रहे हैं, आप हमें ना दुश्मन समझ रहे हैं। यार क्या बात है तिवारी जी, बड़ी चमचेगिरी हो रही है, कोई काम निकलवाना है क्या मुझसे? बाबूजी देखिए, आपकी यही बातें ना ये दिल में फर्क पैदा करती हैं। अब हम आपको अपना दोस्त मान रहे हैं, आपसे चिड़ी चिड़ी सी बातें कर रही। अरे अपना ये नफरत का जो चश्मा है ना, इसे उतार के देखिए, आपको हमारे अंदर एक सच्चा दोस्त नजर आएगा, सच्चा दोस्त। नहीं, ये तिवारी जी, ये आप नहीं है। अच्छा? ये लच्छेदार बातें हजम नहीं हो रही मुझे आपकी, ये आप है नहीं। There's someone else. Tell me, tell me. हाँ हाँ नहीं, वो बात है। बात दरअसल क्या है कि अंगूरी ने जो है वो लहसुन की खीर बनाई है। अच्छा? और ऐसी लाजवाब खीर बनाई है कि आप खाएंगे ना भभूति जी तो आप सारे व्यंजन भूल जाएंगे।
नेकी और पूछ पूछ, अरे लहसुन की खीर खिलाइए ना, बेटे फालतू बकवास कर रहे हैं। लहसुन की खीर तैयार बा। अरे वाह भाभी जी वाह, क्या बात है क्या बात है। ओहो भाभी, लहसुन की खीर, इस डिश के बारे में पहले कभी सुना नहीं। ये तो ना खा के आप बताइए ना, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप लोग ने मास्क पहन लिया, मेरी बॉडी में से बदबू आ रही है क्या? नहीं नहीं, वो जो वो आप खीर खा रहे ना, आपके बदन में से ना ही वो खीर जब खाते हैं तो बदबू आता है मुंह से। अभी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि खीर खाने से बदबू आती है मुंह में? अब लहसुन की खीर खाने से बदबू ही आएगी ना, कोई सौंफ की या इलायची की खुशबू तो नहीं आएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि लहसुन की खीर खाने से मुंह से बदबू आती है? वो हम बड़े प्यार से बनाए ना आपके लिए। अभी जी थैंक यू वेरी मच, बड़े प्यार से बनाइए, लेकिन मेरे मुंह में तो बदबू आ गई ना। अरे तो कोई खुशबूदार चीज खा लीजिए ना। एक मिनट, हमारे पास एक तो पान है। मैं पान नहीं खाऊंगा। अरे नहीं, मैं पान नहीं खाऊंगा, पान नहीं खाऊंगा, पान नहीं खाऊंगा। अरे काय नहीं खाएंगे भाई, अनु को पसंद नहीं, कहती है कि मुंह लाल हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं। पान नहीं। भाभी जी को बदबू पसंद है क्या? अब ऐसे लहसुन की खीर खा के भाभी जी के पास जाएंगी तो भाभी जी तो आपको भगा देंगी ना। खा लीजिए ना, ये लीजिए। आपने क्या खिला दिया मुझे? खिलाए हम खिलाए ना। लो पगली, एक और खिला दीजिए प्यार से फिर। ठीक बा, लो पगली खिलाओ तो। लो ये लो खाइए, एकदम अच्छे से चबाइए, पीक जो एकदम बाहर निकलनी चाहिए, लगना चाहिए कि बहुत ही आनंद आ रहा है पान खा के। शाबाश। अच्छा का नजर नहीं आ रही है, मैं जाकर पान बाथरूम में ऑर्डर लेता हूँ, उससे पहले कि मुझे देख ले फिर किरकिरी करे। अरे विभू, अरे आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए, मम्मी की साड़ी है कल मुझे पहननी है, प्रेस कर दो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? साड़ी प्रेस करनी है? नहीं नहीं बाद में जाना, वो सब नहीं जाना अभी। नहीं नहीं जाना है, तुम 5 घंटे लगाओगे वहां, कहीं नहीं जाना है, पहले साड़ी प्रेस करो। आई डोंट केयर। बोल क्यों रहे हो, मुझसे बोलो, मौन व्रत लिया हुआ है क्या तुमने? ओके, 2 लेटर का वर्ड है, हिंदी। हाँ ओके, विभू ये कोई टाइम है ऐसे अश्लील इशारे करने का? हाँ ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? तो प्लीज यार, क्या क्या हरकत है, साड़ी प्रेस करो, गंदे गंदे इशारे कर रहे हो तुम। क्या हुआ क्या हुआ विभू? विभू 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 ये क्या है? पीक। किसकी पीक? पीक तो पान की होती। तुम्हें पता है ना कि मुझे पान से सख्त नफरत है। I'm aware of it, मुझे पता है। ऊपर से तुमने मेरी माँ की साड़ी खराब कर दी, कल उनका बर्थडे है, मुझे ये पहन के उनको विश करने जाना था, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पीक फेर दिया। तुम्हारी माँ की? हाँ साड़ी मैंने जान के खराब नहीं की, तुम्हारी माँ को मैं सॉरी बोल दूंगा यार, तुम्हारी माँ के मैं पैर पकड़ लूंगा। गेट लॉस्ट। आंटी जी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना। आई गॉट इट। मेरी माँ की
तिवारी जी सुनिए जरा, कहिए एक तो पान खिलाइए जरा यार। मजा आ रहा है। अरे ऐसा वैसा मजा आ रहा है भाई, बहुत धुएं काट रखे आपने तो। लेकिन कहाँ से लाए ये पान? अंगूर खाइए ना, अंगूर की बेल कहाँ से कहाँ को निकल रही है, इस चक्कर में मत पड़िए। तिवारी जी आप कहाँ अवेलेबल रहते हैं? अगर तलब लगेगी तो कहाँ ढूंढूंगा आपको? ढूंढने की क्या बात है, हम हाजिर हो जाएंगे, हमसे ले लीजिएगा। अरे काय भाव खा रहे हैं यार, बताइए ना कहाँ से मिलता है। बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है यार। अच्छा खिलाइए एक ठो पान फिर। आप बिना बस एक मिनट रुकिए। क्या बात है, नोश फरमाइए। हाँ तिवारी जी इसकी खुशबू जानलेवा है। जस्ट डिवाइन। मजा आ रहा है ना? मजा इन अंडरस्टेटमेंट, बहुत मजा आ रहा। सुनिए डिवाइन। तिवारी जी तलब लगेगी ना तो फिर से आऊंगा आपके पास, चलता हूं। तलब तो लगेगी बेटा, और ऐसी तलब लगेगी कि तुम्हारा तबला बज जाएगा। Mm-hmm.